वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं असल वाली सिंपल ब्लाउज। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से दो तरफ करके फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। सो हमारा चौड़ाई है 22 इंच और हमारी लंबाई है कुछ 16 इंचेस। 16 इंचेस की हमने लंबाई ली है और इसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। जितना हमारा 22 इंची पे लाकर फोल्ड कर देना है और हमें फिर यहाँ पे हमने 7 इंचेस पे निशान लगाया है और 3 इंचेस पे हमारा जो शोल्डर बनेगा वहाँ पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर हमारा आर्म लाइन बनाने के लिए हमारा आर्म लाइन भी रहेगा 7 इंचेस पे, जिसे यहाँ पर हम आर्म होल बनाएंगे और फिर हमें यहाँ पे 1.5 इंचेस पे लाइन खींचनी है। ये देखिए 1.5 इंची का मेजरमेंट लेंगे और ये फिर 1/2 इंचेस का टिक लगाकर इस तरह से गोल कर हमारा जो चेस्ट की चौड़ाई है वो है 10 इंचेस और मैंने 1.5 इंची बढ़ा कर लिया है सिलाई के लिए। और हमारा जो बॉडी रहेगा उसकी लेंथ मैंने 14 इंची ही ली है और फिर हमें नीचे में यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। और हमारा जो वेस्ट है वो है मैंने ली है, हमारा ये जो वेस्ट है वो मैंने लिया है 9.5 इंच और उसमें भी 1.5 इंचेस मैंने छोड़ी है सिलाई के लिए। और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए और फिर हमें नीचे में भी मैच कर देना है। और उसके बाद हम बनाएंगे नेक। हमारा नेक हमने लिया है 4 इंचेस की चौड़ाई है और लेंथ मैंने उसकी ली है 7 इंचेस पे। 7 इंचेस पे लेने के बाद आप इसे बड़े भी ले सकते हैं और इसे सर्कल करके कट कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आपको बैक साइड अगर बड़ा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। और मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने ही बनाई है उसमें। ये देखिए मैंने ये बना लिया और अब इसे कट करके निकाल देंगे। सो ये कट होने के बाद अब हम इसके बाद हम नेट का कपड़ा लेंगे और जो हमने पहले जो अस्तर का कपड़ा कटिंग किया था उसे उसी पर रख कर कट कर देना है, बस सिंपली और कुछ नहीं है। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है, अब इसका स्लीप्स निकालते हैं। हमारा नेट पीस मैंने कटिंग कर लिया है और अब हम इसका स्लीप्स निकालेंगे। स्लीप्स हमारा है 3 इंचेस ही मैंने लिया, ज़्यादा बड़ा स्लीप्स लिया नहीं है। लंबाई उसकी है और हमारा चौड़ाई है जो वो कुछ 8 इंचेस है। आप बढ़ा कर भी दे सकते हैं या फिर सिलाई पे आ जाए। अगर कुछ हेल्दी लेडी का बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 9 इंचेस पे लिया है। और उसकी नीचे का पोर्शन है कुछ 2.5 इंचेस, बस 2.5 इंचेस पे लगा के गोल सर्कल करके हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। इसे इस तरह से सर्कल कर देनी है। ये जो मैं बता रही बहुत ही सिंपल तरीका। तो ये अब हमारा है फ्रंट का साइड है जो इसमें मैंने जो आर्म होल का जो साइड है मैंने उसके साइड से 5 इंचेस पे ये टिक लगाया है। और ये हमारा जो आर्म होल का जो कटिंग है यहाँ से मैंने 5 इंचेस पे ली है और ये हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो मैंने 4 इंचेस पे ली है। और ये हमारा जो नेक साइड का फ्रंट में जो आएगा वहाँ से भी मैंने 4 इंचेस पे टिक लगाई है और हमारा जो आर्म होल है वहाँ से भी मैंने 4 इंचेस पे ही लगाई है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। सो यहाँ पे टिक लगाने के बाद कपड़े को और नेट को इस तरह से रख कर दोनों जो हमने जो निशान लगाई थी उसे इस तरह से पकड़ कर बस सिलाई चला देनी है। इस पर भी सिलाई चलानी है और ये वाला जो हमारा है इस पे भी ऐसे सिलाई चलानी है और इस पे भी। सो चलिए अब हम इसकी स्टिच।
तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है। देखिए आप देख सकते हैं इसका फ्रंट का साइड कैसा लग रहा है। तो अब हम अपना शोल्डर ज्वाइन करेंगे, एक मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और हम दूसरा शोल्डर ज्वाइन करते हैं। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। सो ये हमारा रेडी हो चुका है हमारा शोल्डर, अब हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। सो हमारा जो बैक साइड है वहाँ पे हम 8 इंचेस की दूरी पे 3 इंचेस के लंबाई पे एक निशान लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से पकड़ कर स्टिचिंग कर देंगे ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो उसकी फिटिंग अच्छी से हो पाए। हमारा जो फ्रंट साइड है उसके राइट में हम सिर्फ अस्तर का कपड़ा लगाएंगे ताकि वो जो हमारा जो पोर्शन है वो रहेगा हमारा अंदर की तरफ। सो इस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ से फोल्ड करके हमें स्टिचिंग करनी होगी। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करनी है, अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर बस हमें स्टिचिंग कर देनी है। तो देख सकते हैं आप हमारा ये जो हमारा राइट साइड का जो पार्ट था वो मैंने रेडी कर लिया है, और हम अब लेफ्ट साइड का रेडी करेंगे। इसमें हमें नेट और अस्तर का कपड़ा दोनों ही लेना है, तो हम दोनों का लेकर ज्वाइन कर देंगे। लेफ्ट साइड रेडी होने के बाद हम 2 इंची की पट्टी तिरछी पट्टी काटेंगे, उसे जॉइंट करके इसमें हमारा जो नेक पोर्शन है उसमें हम जॉइंट करेंगे। तो हमने जो पट्टी लगाई थी उसे 1/2 इंचेस पे फोल्ड करके उसे स्टिचिंग कर देनी है ताकि हमारा जो पट्टी है वो हेम करते समय अच्छे से बैठे और जो हमारा नेक पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा लुक आए। तो हमें इस तरह से स्टिचिंग कर देनी है पूरी।
उसके बाद अब हम इसमें 2 इंची चौड़ी फीता लगाएंगे। तो हमने जो अपना 2 इंच पे जो फीता सिलाई किया था उसे सीधा आगे से पलट लेना है और मैं पूरा दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। जो अपना फीता सिलाई किया था उसे इस तरह से मोड़ना है। देखिए इस तरह से मोड़ मोड़ कर उसके बाद सिलाई चलाना है, पूरा एकदम टाइट से मोड़ेंगे उसके बाद सिलाई चलाएंगे। मैंने ये ब्लाउज रेडी कर लिया है, मैंने हुक लगा लिया है, इसमें काज लगा लिया है और ये हमारा जो हेम करने का था वो भी मैंने हेम कर लिया है और हमारा जो फीता था मैंने फीता लगाया और उसमें कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से मैंने फुदना लगाया है उसमें।